नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले भारतीय रेलवे ने लोगों को एक बड़ी सौगात दी है। रेलवे ने त्योहारी सीजन में 392 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इन ट्रेनों का संचालन 20 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच ही होगा। ये ट्रेनें कम से कम 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का किराया सामान्य स्पेशल ट्रेनों की तुलना में 30% से ज़्यादा होगा। दरअसल ये नियम साल 2015 के कमर्शियल सर्कुलर नंबर 30 के अनुसार लागू किया जा रहा है। रेलवे का ये फैसला नवरात्र के शुरू होने के पहले आया है। रेलवे का अनुमान है कि आगामी सप्ताह में यात्रियों की भीड़भाड़ में इजाफा होगा। आने वाले दिनों में कोलकाता, पटना, बनारस और लखनऊ से सर्वाधिक सवारियों के निकलने का अनुमान है। अक्टूबर और नवंबर महीने में दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली और छठ पूजा जैसे बड़े त्यौहार हैं। इस दौरान होने वाली छुट्टियों में लोगों की आवाजाही बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इससे पहले भारतीय रेलवे ने रिजर्वेशन के नियमों में बड़ा बदलाव किया था। रेल यात्री अब ट्रेन छूटने के 5 मिनट पहले तक टिकट बुक कर सकते हैं। साथ ही अब ट्रेन में टिकट आरक्षण का दूसरा चार्ट ट्रेन स्टेशन से छूटने से आधे घंटे पहले जारी होगा। रेलवे का मानना है कि इससे यात्रियों को सीधा फायदा होगा। जिस स्टेशन पर करंट बुकिंग काउंटर है, यात्री वहां से टिकट खरीद सकते हैं, वहीं ई टिकट ले सकते हैं। रेलवे की इस सुविधा से ऐसे लोगों को विशेष मदद मिलेगी जिन्हें किसी विशेष आपात स्थितियों में ट्रेन से यात्रा करना पड़ता है। बता दें कि कोरोना महामारी के चलते रेलवे ने ये समय आधे घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे पहले कर दिया था, जिसमें ट्रेन चलाने से पहले तमाम तरह के नियम कानून कोरोना प्रोटोकॉल में फॉलो करने पड़ते थे। लेकिन जैसे जैसे कोरोना का संकट कम हो रहा है, उधर भारतीय रेलवे सफ़र करने वाले लाखों यात्रियों को सहूलियत दे रही है। बता दें कि कोरोना वायरस के चलते रेलवे की सामान्य यात्री सेवा बंद है, केवल स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इन ट्रेनों को कोविड नियमों के अनुसार चलाया जा रहा है। यात्रियों के लिए ट्रेन में सफ़र के दौरान फेस कवर या फेस मास्क लगाना ज़रूरी है। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है। इसके अलावा भारतीय रेलवे समय के हिसाब से स्पेशल ट्रेनों की संख्या में भी धीरे धीरे इजाफा कर रहा है। रेलवे की कोशिश आने वाले दिनों में सभी रूटों पर ट्रेनों का संचालन करने की है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।